नमस्कार बच्चों, बच्चों आप सब कैसे हो? बच्चों घर में रहें और स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। तो बच्चों आज हम क्लास सेकंड हिंदी रीडर पाठ्य पुस्तक से पाठ चार बदल गई सुहानी को पढ़ेंगे। बच्चों हमें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह सामान अपनी जगह पर मिल जाए और हमारा काम जल्दी से हो जाए। इसी तरह की कहानी है बदल गई सुहानी। बच्चों सुहानी पढ़ने में तो होशियार थी पर वह लापरवाह भी थी और बाद में वह किस तरह जिम्मेदार बन गई, आइए सुहानी के बारे में पढ़ते हैं। पाठ चार बदल गई सुहानी। इधर उधर बिखराए सामान, पुस्तक बस्ते का न रखे ध्यान, चाहे कितना हो वह चतुर सयान, कहलाए वह क्या अनजान। तो बच्चों इस पहेली का उत्तर है लापरवाह। तो आओ बच्चों अब हम सुहानी के बारे में पढ़ते हैं। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। कि सुहानी अपने स्कूल की एक होशियार बालिका थी। उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में भी सभी उसे प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। तो सुहानी की एक ही बुरी आदत थी कि वह अपने सामान को सही जगह पर नहीं रखती थी। रोज सुबह वह कोई न कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। तो रोज जब वह स्कूल जाती थी तो अपने सामान को ढूंढने के लिए वह किसी की मदद लेती थी और सामान को ढूंढने में वह सभी को परेशान करती थी। मम्मी रोज उसे प्यार से समझाती थी कि सामान सही जगह पर रखा करो। मम्मी उसे रोज प्यार से समझाती थी कि अपना सामान सभी को अपनी जगह सभी को सही जगह पर रखना चाहिए, पर वह अनसुना कर देती थी। पर वह सुनकर भी उस बात पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली एक दिन वह स्कूल से खुश होकर के आई और बोली मम्मी मेरी कक्षा से सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। कि मम्मी चित्रकला प्रतियोगिता के लिए मेरी कक्षा से केवल मुझे ही चयन यानी मुझे ही चुना गया है। दो दिन बाद प्रतियोगिता है। कि दो दिन बाद चित्रकला की प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। कि मम्मी आप मुझे प्रैक्टिस या मेरी तैयारी करवा दीजिए। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले लगा लिया। मम्मी ने खुश या प्रसन्न होकर के सुहानी को प्यार किया और गले लगा लिया। ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया और सुहानी को मम्मी ने बहुत सारा प्यार किया और उसके बाद सुहानी को मम्मी ने खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। मम्मी ने उसकी चित्रकला के लिए उसकी तैयारी भी करवाई। प्रतियोगिता के दिन मम्मी मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं है। प्रतियोगिता वाले दिन जब सुहानी विद्यालय जा रही थी तो सुहानी ने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे रंग वाले डिब्बे में पूरे रंग नहीं हैं, कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे। कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। यह कहते हुए सुहानी ने सारे सामान को कमरे में फैला दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। तो सुहानी इस बात को लेकर भी डरी हुई थी कि जब वह स्कूल में प्रतियोगिता में जाएगी, परीक्षा देने के लिए जाएगी, तो वह वहाँ कैसे ड्राइंग करेगी। तो इस बात को लेकर भी सुहानी परेशान थी और अगर उसके पास रंग नहीं होगे तो वह क्या करेगी, इस बात को लेकर वह परेशान थी। भागती हुई मम्मी आई। कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया और सुहानी ने जब सारे कमरे को बिखेर दिया था तो मम्मी उनकी दौड़ती हुई उसकी मम्मी आई और जब सुहानी ने सारे कमरे को फैला दिया तो उस कमरे की हालत या कमरे को इस तरह फैला हुआ देख करके सुहानी की मम्मी को गुस्सा आ गया। सही उत्तर पर निशान लगाइए।
कै सुहानी कैसी छात्रा थी, दब्बू होनहार आलसी। खै स्कूल में कौन सी प्रतियोगिता थी, चित्रकला संगीत दौड़। सेकंड है बताइए कै सब लोग सुहानी को प्यार क्यों करते थे। खै सुहानी ने कमरा क्यों बिखेर दिया था। गै सुहानी में कौन सी बुरी आदत थी। बच्चों इन प्रश्नोत्तर को कॉपी में करिए और स्कूल ओपन होने पर चेक करवाइएगा। धन्यवाद।